तुमको खाने में लिटरली ये सब खाने को मिलना पड़ता है। ये सब हरामी लोग ही नहीं बात हो रहा। हम तो खेल रहे, तू नहीं खेल रहे। तो मेरा भी मन बहुत ज्यादा पिघल रहा और मैं सोच रहा हूँ लाइव स्ट्रीम कर लूं। हेलो जनता, आपके बिना हमारा दिन नहीं बनता। तो लो हम आ गए और एक नए व्लॉग के साथ। तो गाइज फॉर अ चेंज आज मैंने गोप्रो से व्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि हमें देखना पड़ता है ना भाई, सब कुछ चल तो रहा है, क्या मालूम कुछ खराब खराब हो गया। तो गाइज अभी का सीन ये है, अभी टाइम हो रहा है 11, मेरा एग्ज़ाम हो चाहे ख़त्म और अब मैं जाने वाला हूँ फाइनली बाहर। जा रहा बाहर? हम जा रहे हैं SP रोड। जाओ, हम 2-3 घंटे बाद आएंगे। ठीक है बाय, घर में कितनी शांति बनी रहेगी। चलो भाई चलते हैं। अब क्यों जा रहे वो मैं नहीं बता सकता हूँ, पर्सनल काम, थोड़े से पर्सनल काम है। तो अपन 2-3 घंटे में बैठ के अपना लास्ट व्लॉग एडिट करेंगे और जो का देखा जाएगा। ऑल सेट को मास्क पहनो और कट। तो भैया आज हम बहुत टाइम बाद गाड़ी चलाएंगे, मास्क पहन ले, हेलमेट अभी पहन लूँगा, सीधा SP रोड में मिलते हैं अपना भी। तो मैं जब भी टाइम हो रहा है 2:30, मैंने मेरा सारा काम कर दिया, आप फटाफट घर जाते। सबसे दिक्कत वाली काम यही है, बाल सब खराब हो गए। कोई नहीं, घर जाते हाथ में धोते और लंच करते। चलो तो गाइस मैं घर आ गया, टाइम हो रहा है 3:34। यहाँ पे मूंग की सब्जी, रोटी, प्याज और व्लॉग माई ओपी लंच। तो गाइस मैं लंच करके सो गया था और अब जाके मैं उठा, मतलब अब तो नहीं, अभी टाइम हो रहा है 9:58, तो मैं उठ गया था अराउंड 7:45, बट थोड़ा मूड ख़राब था और तबीयत भी अब थोड़ी डामाडोल लग रही है। कोई गैस टेंशन लेने की बात नहीं, सिम्टम नहीं है, दर्द होता रहता है हमको भी। तो हम लेट उठे तो हमको थोड़ा एग्जिमिशन मिला, आज डांट नहीं पड़ी हमको और अब मेरे को लग रही है तगड़ी वाली भूख। और खाना कुछ नहीं है जो हमने बनाया वो इन्होंने खाया नहीं। हाँ तो उस टाइम तो हेकड़ी मारी। तो गाइस अब मेरे को तगड़ी वाली भूख पिछले रात के 10 काफी दिनों से लग रहे हैं। रात के 10 बजे इनकी इच्छा हो रही है पास्ता खाने, मैंने तो इजाजत दे दी खुद बनाओ और खा लो। बना तो लेंगे गाइस, बट सब्जी कौन कटेगा पहले ये बताओ। बिना सब्जी का प्लेन वाला पास्ता खा लो, मजा ही नहीं है। प्याज वाला पास्ता खा लो। नवरात्रि चल रहे हैं क्या, प्याज की बात कर रहे हो? अच्छा कल जो दाल ढोकी में ऊपर से जो प्याज डलवाए थे उस टाइम नवरात्रि नहीं थे, फोन पी के डलवाए थे, सॉरी। तो गाइस लास्ट ब्लॉग को देख के मेरे काफ़ी सारे दोस्त ने बोला, काफ़ी सारे इतने मतलब कुछ दोस्त बोले जो पबजी फ्रेंड्स थे, बोले भाई तू KR वर्जन क्यों खेल रहा है, ग्लोबल वर्जन खेल, ये रहा लिंक, भाई इसको खेल के कर कुछ भी नहीं होगा, ID बैन ही नहीं होगी। और वो भाई साहब ना महीनों से खेल रहे और मेरे को स्क्रीनशॉट बता रहे, ये देख हम तो खेल रहे तू नहीं खेल रहे। तो मेरा भी मन बहुत ज़्यादा पिघल रहा और मैं सोच रहा हूँ लाइव स्ट्रीम कर लूँ, चलो 2 घंटे के लिए 2 आवर्स नॉन स्टॉप लाइव स्ट्रीम, आप भी आ सकते हो, बात कर सकते हो। अब मैं वही सोच रहा हूँ, मम्मी इस पर क्या विचार है आपका, स्ट्रीम करना चाहिए कि नहीं? मेरा विचार तो ये है कि मैं तेरे लिए कुछ बना लूँ, उसके लिए मैं बना रही हूँ बस फिलहाल। क्या मैं मैगी नहीं खा रहा, मैं मैदा फ्री हो गया हूँ। तो मम्मी कैसा लग रहा है? क्या सबको सस्ते में निपटा के पास्ता बोल के मैगी खिला रहे हो आप? खाना बनाया तब सबने बोला मैं नहीं खा रहा, मुझे कम भूख है, आज मेरी इच्छा नहीं, मैंने थोड़ा बनाया, अब सब भूख मारे की तरह कर रहे हो, मैं क्या खाऊं? खाने में बनता क्या है, कभी कुछ हल्का फुल्का, भाई खाने का ही मन नहीं होता सुनते तब। नहीं रात को इनको अच्छे अच्छे खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ रात को। गाइस हम इतना मेहनत करते दिन भर और हमको खाना मिलता है क्या मिलता है खाने के नाम पे बताओ जनता? खिचड़ी, दलिया, कभी कभी डोसा, रागी की रोटी। डोसा ब्रेकफास्ट है क्या भाई?
गाइज इनको अच्छा गाइज आप लोग डिनर में क्या करते हो हमको कमेंट में बताओ, तो मैं ना इनकी जान खाते हैं। हमको खाने में लिटरली ये सब खाने को मिलना पड़ता है, ये सब हरामी लोग हैं, इनकी बात होगी। तो गाइज इसी के साथ ही हमारा डिनर हो चुका था यार, सोचा था पास्ता बनाना सिखाऊंगा, सस्ते में निपटा दिया हमको। तो भैया हमारा खाना पीना हो चुका है ख़त्म, और अभी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन, जो मेन अकाउंट जो मेन पबजी है ना वही है, और मैं सोच रहा हूँ मेन अकाउंट से खेल लूँ, बैन होगा तो होता रहेगा क्योंकि भाई अभी पैंडमिक ऐसा सब जगह लॉकडाउन है, काम करने को कुछ है नहीं है, मतलब हाँ शूट तो मैं कर सकता हूँ बट यार टाइम पास के लिए बेस्ट है पबजी, क्योंकि हमारे दोस्त वोस्त मिल जाते हैं, काफ़ी बहुत रैंडम्स भी है, तो देखते हैं होता कि नहीं। तो गाइस मोमेंट ऑफ ट्रूथ इधर है, पबजी ग्लोबल वर्जन आ चुका है, अब इसको ओपन करते हैं। भाई हमारा अकाउंट फुल, अभी मेरे को फुल धक-धक हो रहा है भाई, हमारा अकाउंट कैसा दिख रहा है भाई, मतलब मैं ये मेन वाला अकाउंट पूरे एक साल बाद देखने वाला हूँ। तो गाइस मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज हियर, लॉग इन विथ फेसबुक दबाने वाले हम, भाई खुल जा खुल, लॉगिंग भाई लोड हो गया है। कंप्लीटिंग रिसोर्स, मतलब भाई साहब हमारा अकाउंट खुलने वाला है पूरे एक साल बाद। भाई साहब हम हमारे अकाउंट में आ चुके हैं भाई, व्हाट एन अमेजिंग फीलिंग भाई साहब, दिस इज मतलब भाई भाई मतलब हम गोल्ड में आ गए भाई, कहाँ डायमंड में आते थे गोल्ड में थे गजब। यू हैव बीन गॉन फॉर 171 डेज, भाई एक साल नहीं हुआ क्या? वेलकम गिफ्ट मिल रहा भाई को, मेरे को लगा यार एक साल हो गया, बट कोई नहीं, नो इशू नो प्रॉब्लम भाई, बट कोई नहीं हम वापस आ चुके हैं भाई। फिलहाल तो हम नंगे दिख रहे हैं, थोड़ा कपड़े पहनते हैं भाई, कैसे बन भाई कैसे होता है मेरे को कोई बताओ। ओके 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 ओके, हमारा हेड मास्क आ चुका है, अब अपन ड्रेस पहनेंगे भाई। वेयर इज़ माई फेवरेट ड्रेस, यस ये मास्क ऐसा कौन लगाया भाई, अपने को ये सब मास्क नहीं चाहिए, अपने को अभी चाहिए प्रॉपर मास्क, बिकॉज कोविड बहुत फैल रहा है भाई। हमारा दोस्त आ चुका है इविल, वेलकम बैक ब्रो। भाई हम आ गए, मतलब 171 डेज के बाद हम आ गए। ओ भाई मैं बडी विथ बैटमैन क्रेजी आज भी है भाई क्रेजी, मेरा भी है बिट्टू के साथ ब्रो मैन साइक ब्रो, क्या तो स्टार्ट कर ये एक बार टीडीएम ही लगा ना। ओ भाई ऑफिशियल में हम खेलेंगे भाई टीडीएम, मजा आ गया। भाई बहुत तगड़ा मजा आ गया भाई, ओ सर सर कैसे हो सर, कैसे हो सर, मतलब एक साल बाद, मतलब एक साल के 170 डेज बाद हम वापस आए, अरे आपके दर्शन हो गए सर, हम पवित्र हो गए सर भाई तगड़ा, चलो भाई खेलने लग गया। साइज़
चिल रहा है। ओह सर जिसने लिंक भेजा वो भाई, ओहो हो इविल लीड मार रहा है भाई, गजब। और क्या चाहिए भाई, ओए ओए भाई आधा टाइम तो ऑफलाइन था भाई। इसके साथ ही गाइस हम सेकंड मैच हार गए, मतलब भाई बहुत गंदा खेला हमने। तो गाइस इसी के साथ ही मैं ये व्लॉग यहीं करना चाहता हूँ एंड। अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देख लिया तो गाइस लाइक का बटन या तो डिसलाइक का बटन दबा देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल नोटिफिकेशन है उसको भी दबा देना ताकि हमारे नेक्स्ट व्लॉग्स आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और गाइस हो सके तो घर में ही रहना, सुरक्षित रहना, अपने फैमिली के साथ हो सके तो बहुत क्वालिटी टाइम निकालना, क्योंकि बाहर की हालत बहुत हो रही है ख़राब दिन ब दिन। मेरे को सुनने में बहुत कुछ आ रहा है बट मैं अभी उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बस ये बोलता हूँ घर में रहो और बाहर जाना है तो मास्क सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करो। विद दैट सेड गाइस दिस इज मी प्रियक्षर मा साइनिंग ऑफ, हम आपसे मिलते हैं और एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ बी हैप्पी, बाय, एडियोस अमिगोस।